मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का समापन किया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी मौजूद रहे। श्री होरा ने सीएम बघेल का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर वहां मौजूद सभी खिलाड़ी और दर्शकगणों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। 8 नए अकादमी प्रस्तावित है। हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक अकादमी बिलासपुर में आरंभ की गई। यह राज्य के प्रथम आवासीय अकादमी है। रायपुर में भी तीरंदाजी के आवासीय अकादमी प्रारंभ की गई है। नारायणपुर में हम मलखम अकादमी बना रहे हैं। कैंकिंग और केनोइंग अकादमी जगदलपुर में आरंभ की गई है, ताकि इन खेलों के का भी बढ़ावा दिया जा सके। प्रदेश में 24 नए खेलो इंडिया सेंटर आरंभ होंगे। इसका प्रस्ताव हमने भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा है। वाले जितने भी प्रतिभागी हैं वो 4,500 और तृतीय वाले को 4,000 रुपया राशि और प्रमाण पत्र इसका वितरण किया गया। मणिपुर में एक बार फिर से तनाव और हिंसा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शासन डबल इंजिन है और ये लोग खुद ही हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। 4-4 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक शांत नहीं करा पा रहे हैं, तो न कोई कार्रवाई कर रहे हैं। कल धरसुआ विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा निकाला गया था, जिसमें आपको लेकर अमर्यादित बयान दिया गया। अब जो जिसके दिल में जो रहेगा वही तो निकलेगा। अब इनकी भाषा इसी प्रकार से है और आगे भी इस प्रकार से इससे शालीनता को उम्मीद नहीं की जा सकती। महेश नागरे ने कहा था उसकी बारी पहुंचे हुए हैं और कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस में और मुख्यमंत्री राजनीतिक एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब ये मान तो रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों का आत्मविश्वास है और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, महिलाएं और नौजवान कर रहे हैं, व्यापारी और उद्योगपति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सर अमित शाह आ रहे हैं और इस बार दिन में आ रहे हैं, कल बैठक।